बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गी ने कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए सिंधिया समर्थक मंत्री तुलसी सिलावट की के अंदाज में चुटकी ली कैलाश तुलसी सिलावट के भाषण से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा कि सही व्यक्ति गलत पार्टी में था लेकिन अब सही व्यक्ति सही पार्टी में है देखिए खास रिपोर्ट प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चौथी बार सीएम पद की शपथ लेने के बाद पहली बार इंदौर दौरे पर आए सीएम शिवराज और कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट अभय प्रशाल में आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में शामिल हुए और कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया इस दौरान तुलसी सिलावट ने अपने भाषण देने के अंदाज से कैलाश विजयवर्गी जीत लिया बड़ी चुनौती के साथ तेवीस मार्च को मध्य प्रदेश की बागदौर जिस व्यक्ति ने पंद्रह वर्षों तक इस मध्य प्रदेश की इस इंदौर की इस मां की इस बेटी की इस भाई की सेवा की हो तेवीस मार्च को फिर से मुख्यमंत्री बने जिस प्रकार से शंकर जी ने कहा शपथ लेने के बाद जो ये महामारी एक चुनौती है एक संघर्ष है एक संकट है इस संकट को चुनौती को कैसे समाधान किया जाए आप सीधे शपथ लेने के बाद वल्लभ भवन गए मध्य प्रदेश के आला अफसरों के साथ इस कोरोना वायरस से निपटने के निर्देश दिए 24 घंटे में से 20 घंटे कोरोना वायरस के साथ आप जानते हैं मध्य प्रदेश और विकास की बुनियाद मध्य प्रदेश की रीढ़ की हड्डी आपका हमारा अन्नदाता है मैं आज पूरे मध्य प्रदेश के अन्नदाताओं की ओर से सद्य मुख्यमंत्री जी आपको बधाई और आभार मानता हूं जो राष्ट्र के अंदर विश्व के अंदर अन्य के अंदर जिस पंजाब का नाम सबसे ऊपर लिया जाता था पर आपके नेतृत्व में किसानों की खरीदी घेहू की चने की मसूर की आज राज के शीर्ष पर मध्य प्रदेश पहले आया है उस व्यक्ति को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं कई योजनाएं बंद हो गई थी जो हमारे समाज के विकास और प्रगति की बुनियाद थी उस योजना का नाम संबल योजना था फिर से प्रारंभ की मात अभी इस सरकार को बने तीन महाबिनी हुए कितने बहुत बड़ा काम मध्य प्रदेश के बाहर से चार लाख नब्बे हजार श्रमिकों को उनकी सीमा में भेजने का पवित्र काम इनके नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यह काम भी किया गया जब राष्ट्रपिता गांधी जी के नेतृत्व में एक लड़ाई हमने देश की आजादी की लड़ी इस संकट की लड़ाई इस महामारी की लड़ाई देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं जो देश जो राष्ट्र आत्मनिर्भर हो जाए उसका विकास उसकी प्रगति उसकी उन्नति कोई नहीं रोक सकता आत्मविश्वास के साथ आत्मनिर्भर होकर हमको आगे बढ़ना है जब बोलने की बारी कैलाश विजयवर्गीय की आई तो उनसे रहा नहीं गया और मजाक के अंदाज में तुलसी सिलावट की चुटकी लेते हुए कहा कि मैंने जब बोलते हुए सुना तो मुझे ऐसा लगा कि मैं भाजपा का नया कार्यकर्ता हूं और तुलसी पुराने कार्यकर्ता मैंने कई बार कहा है कि सही व्यक्ति गलत पार्टी में था लेकिन अब सही व्यक्ति सही पार्टी में है प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद आज आप पहली बार आए मन नहीं भरा इंदौर जिस परंपरा से आपका स्वागत करना चाहता था कोविड ने उस परंपरा को तोड़ दिया फिर भी मैं चाहता हूं इस सभाग्रह में खड़े हुए सब लोग खड़े होकर स्टैंडिंग ओरिशन देकर तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें इंदौर एक बार आपका स्वागत करेगा इस कोविड से निपटने के बाद मंच पर उपस्थित बहुत ही सहज सरल कैबिनेट मंत्री अभी भाषण दे रहे थे तो मुझे इन्फिनेटी कॉम्प्लेक्स आ गया कि मैं शायद नया भाजपाई हूं ये पुराने ऐसे कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट जी <laughs> इतना मैं आपके बारे में वैसे भी पहले कहता था कि सही आदमी गलत पार्टी में अब सही आदमी सही पार्टी में आ गए गौरतलब है की तुलसी सिलावट सिंधिया के सबसे करीबी समर्थक माने जाते हैं और शिवराज के मंत्रिमंडल में तुलसी सिलावट को अहम मंत्रालय मिला साथ ही इंदौर का प्रभार भी सौंपा गया है अब तुलसी सिलावट को जीतने की जिम्मेदारी कैलाश विजयवर्गीय के, के कंधों पर ही है ब्यूरो रिपोर्ट एमपी न्यूज इंदौर